आर इस मूवी आर मिस राजामौली राजावर्मन सर के ही नाम पे ये पिक्चर है। राजामौली हैज क्रिएट द हिस्ट्री इन एक्शन मूवी। और एंट्री माय गॉड व्हाट द हेल, वो रामचरण जब वो पब्लिक के अंदर आता है डंडा लेके, बहन जो ऐसा लगता है सॉरी मतलब दिमाग पट जाता है। और वो टाइगर का सीन जो दिखाया है, वो जो करता है माय गॉड एनटीआर जो उस टाइगर का वो दैट इज हॉरिबल। और जो इंटरवल के पहले जो सीन है, बाप रे व्हाट इज दैट, क्या हुआ, हम कुछ समझ में ही नहीं आया, इतने सारे शेर उड़ गए। वो इंटरवल ऐसा लग रहा था कि क्लाइमैक्स भी कुछ भी नहीं है, इंटरवल में ऐसा लग रहा है वापस देखने जाऊँ, रिपीट करने जाऊँ। बाहुबली से तो कई गुना आगे ये पीछे, मतलब ऐसे कि आप अभी देखिए तो वापस भी देख सकते हैं, बोर भी नहीं होगी। साउंड इज गुड, म्यूजिक इज गुड, और बैकग्राउंड इसका मेन USB है। बैकग्राउंड म्यूजिक साला कोई नहीं दे सकता ये मूवी का, कोई माइकल आ जाए वेंचर नहीं दे सकता। जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया मेरे ख्याल से MM करीवनी क्रीम ना, MM करीवनी करके एक भी है, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। या सिनेमाटोग्राफी भी सुपर, एवरीथिंग इज अप टू देम, बट एक्शन इज द USP एंड बैकग्राउंड म्यूजिक माय माय माइंड फाड़ दिया यार, दिमाग फाड़ दिया था। अरे सर एक्टिंग बोले तो SS राजामौली ने उनको ऐसा एक्टिंग करा, अरे बाबा एक एक पंच तो देखो ऐसा हमारे थोपड़े में लग रहा है यार। और वो शेर का सीन, फिर एंडिंग का जो क्लाइमैक्स, वो तीर से रामचरण और ये NTR करते हैं और साला और लास्ट में जब उड़ा देते पूरा, बाप रे बाप। आलिया भट्ट जैसे देखो ओके नॉट सो गुड, नॉट ओके मतलब कि उनका काम जितना उनको दिया है दे हैव डन इट, उन्होंने अपना काम किया बराबर से। बट बैकग्राउंड म्यूजिक मज़ा आ गया, म्यूजिक भी अच्छा है, गाना सॉन्ग्स भी सब अच्छे हैं और क्लाइमेक्स इज ऑल्सो गुड। अरे भाई सब नाच रहे थे, अरे क्या नाचेंगे यार, वो लोग ऐसे नाच रहे कि हमको नाचने का चांस ही नहीं देंगे। आई एम टेलिंग यू इट्स अ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, ये साल 2022 की सबसे यादगार मूवी यही रहेगी RRR। इन एक्शन रोमांस क्या नहीं है उसमें, सब एवरीथिंग है, सस्पेंस भी है, सब है, बहुत अच्छा किया। एंड रामचरण हैज डन वेरी गुड जॉब, उनको अवार्ड मिलना चाहिए और NTR भी अवार्ड मिलना चाहिए, रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया। ये मूवी इसके लिए दिखाई गई, दोस्ती के ऊपर दिखाई, इट्स अपॉन द फ्रेंडशिप, जो एक दो दोस्त होते हैं एक आपस में आपस के लिए कैसे मरते हैं, कैसे रियल फ्रेंडशिप के बारे में पता है, मतलब कि एक दूसरे के लिए कैसा जान देते थे। इसका जो मेन प्लॉट वही है कि फ्रेंडशिप कैसे होती है, भाई से भी बढ़कर होती है, सगे भाई से बढ़ता है, भाई तो अपने सगे होते हैं लेकिन फ्रेंड दुनिया में भगवान अपने को देता है, फ्रेंड तो मेन प्लॉट फ्रेंडशिप के ऊपर है। लेकिन सर ऐसे तो राजामौली को किधर है उनके चरण में झुकना चाहता हूँ, माँ कसम उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक में तो समझ मेरे को कुछ अब दिमाग ही नहीं चल रहा कि क्या हो क्या गया, क्या क्या मूवी बनाया है सर। 550 करोड़ वसूल है, दिख रहा है स्क्रीन में, साला हम लोग 130 रुपया दिया उसने हमको 550 करोड़ दिया, क्या मूवी बनाया था, माइंड ब्लोइंग। हाँ सर वेलकम सर, वेलकम जी। RR इज द टोटली बवाल मूवी लगी मेरे को, मतलब SS राजामौली ये नाम ही काफ़ी है मूवी देखने के लिए, सिर्फ इनका नाम देख के मूवी देखने गया था मैं और सरप्राइज में निकला। इसमें सबसे कड़क रोल मेरे को लगा ना, रियल बता रहा हूँ, अजय देवगन सर का। जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होती है ना, उसके बाद जो अजय देवगन की एंट्री होती है ना यार, पूरी मूवी की जान है वो। 20 मिनट ही रोल है उनका, लेकिन आप देखो जाके मज़ा आ जाएगा। दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर एंट्री की बात की जाए तो NTR की एंट्री बहुत धांसू था, जो टाइगर के सामने जो एंट्री होती है सुपर है। रामचरण की भी एंट्री अच्छी है, लेकिन उनसे बेटर NTR की एंट्री दिखाई है। रामचरण का भी एंट्री ओके है, लेकिन मतलब कि रामचरण एक सुपर स्टार, उनकी भी एंट्री यार थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए था, लेकिन सबसे अच्छा एंट्री मेरे को लगा NTR का जी। नहीं मेरे को तो ऐसा फील नहीं हुआ, मैं 3D में मूवी को देखा, मैं 3 घंटे 6 मिनट की ये मूवी है, मतलब कि मैं पूरी एंजॉय किया मूवी को। कब इंटरवल हुआ, कब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, कब एंड हो गया पता ही नहीं चला, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरी मूवी पकड़ के रखती है, आपको उठने नहीं देगी सीट से। सॉन्ग्स हो गए, नाचो नाचो यार, कुछ लोग थे आगे नाचने लगे वहीं पर भाई। नहीं नहीं मैं नहीं नाचा थोड़ा सा, क्योंकि उसका जो स्टेप है ना थोड़ा कड़क है, नहीं आ पाएगा ना। कुछ लोग देखा नाचने लगे, सीटियाँ ताली, मतलब PVR मल्टीप्लेक्स थिएटर में लोग तालियां सीटियां बजा रहे, सिंगल स्क्रीन में तो बजती ही है, मल्टीप्लेक्स में भी लोग तालियां सीटियां बजा रहे, तो सोच सकते हो किस लेवल में वो डायरेक्शन की मूवी का, सुपर सारे एक्शन सीक्वेंसेस रोंगटे खड़े कर देते हैं।
आलिया भट्ट का रोल थोड़ा होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम है। ओके ओके है, फिर भी आलिया फैंस, आलिया भट्ट के जो फैंस हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, लेकिन उतने में काम चलाओ आप। जी देखिए, ऐसी मूवी बॉलीवुड में इसलिए देखने को नहीं मिलती है कि पहले साउथ वाली फिल्में जो थी ना रिलीज नहीं करती थी पैन इंडिया, अब साउथ वाले पैन इंडिया मूवी रिलीज कर रहे हैं, अब बॉलीवुड इस पर ध्यान देगा। पहले कुछ भी पसोर देते थे, मतलब कुछ भी कंटेंट, आड़े तेड़े कंटेंट, जैसा भी कंटेंट हो पब्लिक को दे दिया, जाओ एंजॉय करो। लेकिन अब पब्लिक होशियार हो चुकी है, अब पब्लिक को चाहिए भाई कंटेंट और एक्शन सीन जो साउथ फिल्मों में होती है वो सब बनाओ आप। अब सड़े गले मूवी बनाओगे तो नहीं चलने वाली, क्योंकि पब्लिक हो गई है भाई होशियार। और साउथ वाले अब धीरे धीरे अब के जी एफ आएगी तो यार बवाले मचा देगी। जी जी, होएगा जाहिर सी बात है। देखो अभी जो अला कुंडा अलामुरा कुंडू एक था, नाम भूल रहा हूँ मैं, अल्लू अर्जुन की, वो 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन देखो अभी शहजादे जो बन रहा है कार्तिक आर्यन का रीमेक, वो लोग को मिर्ची लगी, वो लास्ट में गोल्ड माइंस में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब आप थिएटर में भी रिलीज करते ना पब्लिक, रीमेक देख लो आप, कबीर सिंह 300 करोड़ कमाया, रीमेक अगर आप अच्छे से करोगे तो आपकी मूवी चलेगी। पिछले हफ्ते बच्चन पांडे डिजास्टर हो गई, वो भी रीमेक था वाल्मीकि का, तो आप रीमेक करो लेकिन कबीर सिंह के जैसा करो, तब आपकी मूवी कामयाब होगी। मैं मूवी को 4 स्टार दूंगा और राजा मौली सर को 5 out of 5, मैं तो एक ही बोलूँगा 3RRR2 बनाओ और मज़ा आएगा। मैं दूसरी बार देख के आ चुका हूँ अभी फिलहाल, पहली बार गया था कार्निवल में देखने के लिए, वहाँ मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ गया था हम लोग। RRR में तो चिल्ला, कार्निवल जैसे बड़े थिएटर में चिल्ला नहीं सकते, यहाँ गीडी में अपना ऑडियंस है, यहाँ चिल्ला विला ढमाल चलो कुछ जो करना करो, चिल्लम चाड़ी करो, थिएटर थिएटर फाड़ो कुछ भी फाड़ो, यहाँ इंजॉयमेंट का मतलब अलग होता है, तो उसके लिए मैंने 2 बार देखने आया। देखिए एक्टिंग वाइज देखने का, एक्टिंग जैसे रामचंद्र का जो एक्टिंग दिखाया, जैसे वो 500 लोगों के भीड़ में 5000 लोगों के बीच में घुस के मारते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वो भी शायद मेरे ख्याल से बॉलीवुड में किसी ने देखा नहीं होगा। फिर शेर के साथ लड़ना, शेर के साथ वो जब उनका दूसरे भाई का उनका रोल हो रहा है, जूनियर NTR का उनका भी रोल हो रहा है, तो उनकी भी एंट्रेंस अलग तरह, शेर को मारते नहीं, शेर को रखते हैं लोग, ताकि जो पिक्चर में दिखा आगे जाके फौज नहीं था उसके पास, तो जानवर का फौज लेके टूट पड़ा था। ये सब नए नए सब विजुअल इफेक्ट है ना, जो नए नए कहानी उन्होंने लेके आए, लोग इस तरीके से देख रहे नहीं पिक्चर में, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। हार्ड वर्क किस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, एक लव स्टोरी, एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी फौरन फिरंगी लड़की के पीछे, वो और दिल पागल हो जाता है उसके लिए, और दोनों दोस्त लोग मिलके ये होते, एक क्रांतिकारी 15 साल जो बच्चे ने अपने बाप का जो वादा है पूरा करना, गोदावरी की कसम खाता, लोगों के हाथ में हथियार देना, क्रांतिकारी करके, बहुत अच्छा स्टोरी स्क्रिप्ट एवरीथिंग, पंचिंग डायलॉग सब कुछ है मूवी में, आप एंजॉय करें। उसके लिए तो मैं दूसरी बार आया हूँ देखने के लिए। आलिया भट्ट का छोटा सा रोल है, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो जो भी है लिमिटेड जो रोल उन्होंने किया, सीता का रोल किया, एक दिखाती कैसी गर्लफ्रेंड कैसा हेल्प करती है अपने, वो छोटा सा चिकन फॉक्स करके एक जो मस्ती वाला जो एक पंचिंग डायलॉग, किसको चिकन फॉक्स हो, वो भी आलिया भट्ट का काफ़ी अच्छा लगा। फिर अजय देवगन का वो एक जो या लोड फायर वो जो है ना RRR वो कैसा, वो भी काफ़ी अजय देवगन वो दिखा रहे, जैसा वाइफ मर गई लेकिन बंदा जंग में, वो बोल रहा अपने बेटे को भाई मर गई तू बाकी अपने देश के लिए बचा, अपने और लोगों के लिए मरो, ये है गाने के बारे में क्या? गाना है नाचो, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो भगवान राम का जो दिखाया, जो पोजिंग ऐसा मार रहेगा यार, हम लोग ऐसा लग रहा यार सीरियसली भगवान राम का वो रावण राज चल रहा है, चलो महिषासुर को छोड़ अभी उसको मारना है, छोड़ इनको, जो एंडिंग में जो ब्लास्टिंग जो फोटोग्राफिंग सीन है ना बहुत अच्छी तरीके से दिया, और उसमें यूनिटी जो डांस जो थे, एक जो ब्रिज पर से नीचे उतरते हैं वंदे मातरम, जो जूनियर उस पीढ़ी के टाइम का जो झंडा हमारा वो भी दिखाया, नाचो आज थिएटर में कौन नहीं नाचा रहेगा, वो नाचो पिक्चर नहीं आता दूर, आई एम वेरी बैड इन डांसिंग, इट्स नॉट माई स्टेप, वो डांसर लोग सब करवा लो। मैं रेटिंग तो आउट ऑफ 5 हैज अ ऑडियंस वाइज 5 देना चाहूँगा, हैज अ टेक्निकली बस थोड़ा लेंडी पिक्चर एडिटिंग वेडिंग 10 मिनट का हो जाता था तो ठीक था, बीच में हम लोग थोड़ा उठ के थोड़ा लाइक निकल रहे, लेकिन ओवरऑल यू एंजॉय। मैं बॉलीवुड को बोलूँगा भाई तुम्हारे नाक में दम करने वाले हैं लोग, अभी तुम कुछ करो वरना तुम्हारा बूढ़ा बिस्तर लेके निकल जाओ, खसक लो। डेट्स ऑल। रामचरण और NTR की केमिस्ट्री, ब्लॉकबस्टर, दोनों ने थिएटर का पूरा फाड़ दिया, इसलिए हाँ आलिया भट्ट अजय देवगन का है काम, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन दोनों का ज़्यादा काम NTR और जो रामचरण का है। हाँ आप बोर नहीं होगे, हाँ नहीं बोर नहीं होगे, आपको सीट पे बैठा के रखेगी हमेशा, इसीलिए गाना एक दोस्ती वाला और नाचो
हाँ कि करने वाले थे। नहीं 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 5। हाँ थैंक यू।